दोस्तों, आज मैं एक अडेनियम के पौधे को अपने ऐड करने के लिए ख़रीद के लाया था, और तो मुझे उसे लगा कि कुछ रिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि उसकी मिट्टी मुझे थोड़ी सी अडेनियम के लिए सूटेबल नहीं लगी। इस दशा में हमने उसको निकाला और देखा कि उसके अंदर इस तरह की मिट्टी है। देखिए, ये पूरा मिट्टी भरा हुआ है। आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोग जानें, इस गमले में था दोस्तों। अब हम इसको, इस गमला तो पॉट तो प्लास्टिक का, इसलिए बदल दूँगा। और देखिए, उन्होंने जो हमें दिया था ये कोकोपीट में लगा हुआ पहले था, और हमारे जो गार्डनर मित्र हैं वहाँ नर्सरी वाले, उन लोगों ने अपनी क्रक थोड़ी सी ऐड करके, जो उन्होंने पौधा जितने का भी ख़रीदा हो कोकोपीट में लगा हुआ, कोको चिप्स में था बेसिकली, इस तरह की कोको चिप्स में था, उसको लग रहा उन्होंने लगा दिया है इस मिट्टी में लगा के हमको बेच दिया। दोस्तों, इसी तरह हमारे सारे गार्डनर इस तरह ख़रीद के लाते हैं, और ख़ासकर जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको थोड़ा शक हो जाता है तो पॉट बदलने की कोशिश करते हैं। जो नए गार्डनर्स हैं, जो शौक है, वो लाते हैं और थोड़ा वेट करते हैं, और थोड़े दिन बाद उनका अडेनियम डेड हो जाता है। जबकि आजकल मौसम डेड होने का नहीं है, उसके बाद भी कुछ दिनों में जब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा पानी होने लगता है, गर्मी कम होने लगती है, तो उनका अडेनियम धीरे से एक दिन का, जिस दिन वो बरसात होती है 2-3 दिन लगातार, उसी दिन वो फंगस बढ़ जाता है और पूरा का पूरा पौधा जो है वो डेड हो जाता है। तो हमने सोचा कि पहले तो मैंने लगाने जा रहा था, रिपोर्ट करने जा रहा था, तो मेरे दिमाग में नहीं था कि रिपोर्ट करके कोई वीडियो बनाना है। तो हमने जागरूकता के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि हमारे जो यहाँ के बंधु हैं, हमारे गार्डनर मित्र हैं, जो लोग एडेनियम के शौकीन हैं, वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि जब भी वो पौधा ख़रीदें तो उसके बाद उसको लाकर ज़रूर रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट करने के लिए उसकी जड़ों को देखें कि अगर फंगस हो तो उन्हें दूर करें, उसका इलाज करें। अदरवाइज़ अगर वो उसी पॉट में लगा रहने देंगे लंबे समय तक, तो जैसे ही बरसात आएगी, ठंडा, गर्मी कम होगी, तो वो पौधा रॉट खा के चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और उन गार्डनरों का गार्डनरिंग से विश्वास कम हो जाएगा, क्योंकि अडेनियम का पौधा बहुत महंगा आता है। दोस्तों, तो हमने इसको निकाल लिया था, लेकिन वीडियो बनाने का थोड़ा विचार बाद में आया, तो हमने कहा इसमें बना के आप लोगों को दिखा दें। देखिए, उसके अंदर ये सड़ा हुआ था इतना पोर्शन, तो हमने देखिए ये सब निकाल दिया है उसी में से, और साथ साथ हमने देखिए इसको भी फंगीसाइड के पानी में रखा हुआ है, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं, ये है। तो अब ये देखिए, ये सड़ा हुआ पोर्शन है इसका। अब इस पर मैं फंगीसाइड लगाऊंगा, ऐसे तो मैं इस समय सुखाने की पोजीशन पर नहीं हूं, लेकिन देखता हूं कि अगर इसको ड्राई कर पाऊँ 1-2-3 घंटे के लिए, तो ड्राई कर देना चाहिए, लेकिन तो पॉटरी अगर ज़्यादा देर ड्राई करेंगे तो डिहाइड्रेट कर जाएगा, ये पौधा मर सकता है। देखिए, ये बहुत अच्छा पौधा है, लेकिन वही है कि अगर इसको नर्सरी के हमारे जो मित्र इसको देखते हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि वो पैसे भले ज़्यादा लें, लेकिन वो इस तरह के खिलवाड़ ना करें, कोशिश करें कि वो अच्छे पौधे ही बेचें, और इस तरह से, क्योंकि जो नए गार्डनर हैं उनके लिए ये एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर है, और फिर वो शायद पौधों से, उनका अडेनियम से खासकर विश्वास उड़ जाएगा, और फिर अडेनियम क्योंकि महंगा पौधा है, एक दिन घर में लाए 300-400 रुपये का, और या 350 से 400-350 तो मिल जाता है, तो इस पता लगा आपका पौधा डेड हो गया थोड़े दिनों बाद ही। तो इसलिए इसको हमने आपको दिखाने के लिए कहा, सोचा कि उनकी सॉइल मिक्स हमने बनाई है, जो उसमें गार्डन सॉइल नहीं, बिल्कुल नहीं ली है हमने, इसमें मोरंग ली है और नीम की खली ली है, थोड़ी सी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाली है 2-4%, और साथ में डाला है थोड़े से मोटी मोरंग, और इसमें फंगीसाइड डाला है, थोड़ा सीवीड भी डाल दिया है 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच हमने इसमें फास्फोरस की, ऑर्गेनिक फास्फोरस डाली है, और नीम की खली 2-4 चम्मच डाली है इसमें, और बोन मिल डाली है 1 चम्मच, और फंगीसाइड डाला हुआ है, और थोड़ी सी मिट्टी जरा सी डाली है, और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, और हमने बाकी इसमें मोरंग का प्रयोग ज़्यादा किया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। पहले का जब पॉटिंग मिक्स मेरे पास तैयार रखा था, उसी में थोड़ा नीम की खली मैंने और ऐड कर दी है, और बाकी सीवीड वगैरह मिला दिया। दोस्तों, ये मेरा पॉटिंग मिक्स है, क्योंकि अभी मैं इस पर फंगीसाइड से ज़रा इसको लगाऊंगा, क्योंकि शायद अभी इसको मैंने इसको इसमें इस पॉट में भी
करीब 15-20 मिनट से इसको मैं इसको भिगो के रखा हुआ हूँ, तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको थोड़ी तकलीफ होगी। तो अभी मैं इस पर फंगीसाइड लगा देता हूँ और फिर देखता हूँ कि आपको कैसा दिखाता हूँ। और जैसे हमने हमने इसको किया है, आप देखिए इस पर हम फंगीसाइड लगा देंगे। फंगीसाइड लगाने से क्या होगा कि ये हमारा ब्रश है और ये देखिए इसमें आप एलोवेरा के साथ भी लगा सकते हैं। एलोवेरा के पत्ती में से अगर फंगीसाइड लगा देंगे और उसके साथ इस पर लगाएंगे तब भी हो सकता है, लेकिन मैं खाली फंगीसाइड लगा रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसमें कोई और, जब हम इसमें एक पौधा का खासकर जब हम इसमें केमिकल दे ही रहे हैं तो हम पूर्ण केमिकल दें, ऑर्गेनिक का इसमें कोई हम हिसाब नहीं रखेंगे, क्योंकि जब रोग बढ़ा हो जाए तो बेटर है कि आप एक चीज़ पर विश्वास करें। और मुझे लगता है ये आधे घंटे में सूख जाएगा, फिर मैं इसमें जो है इस तरह से मैं इसमें फंगीसाइड लगा दूंगा और बस इसको मैं रिपोर्ट कर दूंगा। आपको बनाई दिया मैंने, रिपोर्ट करने के बाद फिर मैं इस पर ज़रूर आपको अपडेट देता हूँ। इस तरह से हम इसको देखिए फंगीसाइड लगा देंगे। देखिए इसीलिए एडेनियम में लोग परेशान हो जाते हैं, जो एडेनियम के हमारे नए ग्राहक हैं वो यही सोचते हैं कि शायद एडेनियम लेंगे और वो डेड हो जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्वर्विदित है और सभी को पता है कि एडेनियम महंगे आते हैं और इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तभी आप इसको सर्वाइव करा पाएंगे, अदरवाइज़ सर्वाइव नहीं हो पाएगा। देखिए इसके इसका रूट जैसे वो कोडेक्स बहुत बढ़िया है, लेकिन अब इस कोडेक्स मैं ऊपर नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि अभी पौधा बहुत छोटा है और मुझे खाली इसके अभी मैं इसके थोड़ा सा इसको रंग लगा के इसी से ज़रा डाल के बस खाली मैं इसको सुखा लूँगा और आज ही लगा दूँगा इसको, कल का इंतज़ार नहीं करूँगा क्योंकि कल मुझे रहना नहीं है। और फिर अगर ज़्यादा लंबे टाइम पे अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये ड्राई हो सकता है और पौधा मर भी सकता है, डिहाइड्रेट अगर हो जाएगा तो पौधा मर जाएगा यह, इसीलिए हमने पानी में इसको डाला था कि डिहाइड्रेट ना होने पर। और थोड़ी देर इसको सुखा लूँगा कि इसका जब फंगीसाइड सूख जाए, जब सूख जाएगा थोड़ा सा तो मैं इसको इसीलिए मैं जल्दी लगा रहा हूँ कि रात होने वाली है तो रात से पहले इसको लगा दें, क्योंकि शाम को पौधे सो जाते हैं तो कोशिश करें कि सोने से पहले लगा दूँ इसको। तो पौधे को सुप्त अवस्था में लगाने से भी मजबूरी होगी तो लगाना ही पड़ता, अदरवाइज़ कोशिश करते हैं कि हम इसको शाम को ही लगा दें, रात में भी लगा सकते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि जब सुप्त अवस्था में ना जाए उससे पहले लगा दिए ज़्यादा बेटर। अभी इसमें फंगीसाइड मैंने थोड़ा ऐसे अपने पॉटिंग मिक्स में डाल दिया है। तो ये दोस्तों एक अपडेट था। अब इसको हम थोड़े दिन छाँव में रखेंगे, छाँव में रखने के बाद इसमें थोड़ा सा हम इसमें माइको राजा ही डालेंगे, बाकी मैं कोई इसमें इनऑर्गेनिक खाद तो डालूंगा नहीं। जब ये थोड़ा स्वस्थ हो जाएंगे और इसमें कलियाँ वलियाँ मैंने तोड़ दी हैं, क्योंकि क्या अगर कलियाँ मैं रखूँगा तो फिर पौधा दिक्कत करेगा, और इस समय कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और ये लग जाएगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। और लेकिन फिर भी ये कि टाइम रखते इसका काम हो गया है तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए रॉट हो गया था करीब करीब, और अब ये जो है थोड़ा इसको ऊपर यहीं से उठा दूंगा तो रॉट वाला पोर्शन नीचे नहीं जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा है, अभी इसको जब हम रिपोर्ट करेंगे तो हम इसमें आपका वीडियो ऐड कर देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों धन्यवाद, दोस्तों राम की बगिया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। राम के बगे में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों ये एडिशन ऑफ वो एडेनियम है जो हमने करीब 2-3 घंटे पहले अप्रॉक्स 2 घंटे पहले रिपोर्ट करने के लिए फंगिस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% ये लगा कर रखा था, उसी का एडिशन है। तो क्योंकि अभी थोड़ा सूख गया है तो मैं सोचता इसको रिपोर्ट कर दें, क्योंकि अब हम ये भी है कि इसको हम बहुत देर तक डिहाइड्रेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये डिहाइड्रेट हो गया तो फिर ये पौधा डेड हो सकता है। हालांकि पूरी तरह भी सूखा नहीं, 1-2 घंटे और लग सकता था, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा। देखो एक चीज़ दोस्तों और है कि अगर मैं इसमें माइकोराजा नहीं डालूँगा, क्योंकि अगर माइकोराजा मुझे डालना होता तो मैं ट्राइकोडर्मा इसमें इस्तेमाल करता, लेकिन ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड क्योंकि ऑर्गेनिक है और रॉट को मैं कोशिश करता था कि ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से फास्ट है ये और इनऑर्गेनिक है, केमिकल है,
तो इससे ज़रा फास्ट रिकवरी होती है, इस तो इसलिए मैंने इसको लगाया है। और मैं इसको बस चुपचाप इसमें रख दूंगा और हल्का सा पानी डाल के छाँव में रख दूंगा करीब 7-8 दिन के लिए। और यह है 4-5 दिन का, जब इसमें ज़रा ये केमिकल का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं इसमें माइकोराजा ज़रूर डालूंगा अल्ट्रा वाला, है ना दोस्तों। देखिए इस पर हम यहाँ लगाते हैं तो अभी थोड़ा सा और ऊँचा करना पड़ेगा हमें, और ज़्यादा मेरे पास जुगाड़ नहीं है इसको लगाने की, लेकिन यह है कि कुछ यही हमारे पास एक विकल्प बचा हुआ है। देखिए ये हमने इसको ऐसे लगा दिया, हालांकि गमला हमारा थोड़ा बहुत छोटा है, थोड़ा मैं बड़ा पे लगाना चाह रहा था इसको, लेकिन फिर देखते हैं इसका थोड़ा इसको ज़रा सा ऐसे देखिए मैंने लगा दिया है। और यहाँ थोड़ा मैं फंगीसाइड भी डाल दूँगा जिससे कि थोड़ा एक तो मैं रूट हारमोन्स भी डालूंगा, थोड़ा फंगीसाइड भी डाल दूंगा जिससे कि थोड़ा सा कोई केमिकल ये भी है केमिकल वो भी है। अगर मैं ट्राइकोडर्मा डालता ऑर्गेनिक होता तो मैं ज़रूर इसमें माइकोराजा डालता, वो भी ऑर्गेनिक है तो मैं ये ज़रूर डाल दूंगा जिससे फंगस ना लगने पाए। और यही मेरा तरीका है काम करने का, अलग ज़्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और ये देखिए मुझे लगता है बिल्कुल सेट है, इसकी जड़ें ऐसे कर देते हैं और ये ऐसे सेट हो गया दोस्तों। ये आपका तैयार है, या कायदे से हमारे पास गिट्टियाँ होती तो मैं रख देता आराम से, मैं भी लाता हूँ गिट्टियाँ तो मैं इसमें ये मोरंग वाली जो थोड़ी गिट्टियाँ होती हैं वो अगर हम इसमें रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही बंद कर देता हूँ और मुझे लगता है मेरी मिट्टी भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट आ गई है इसी को। दोस्तों जब भी आप बाज़ार से एडेनियम लाएं तो उसको ज़रूर चेक कर लें एक बार कि कहीं वो रूट रोटेन तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर आप वो हो जाएगा तो फिर आप अब ज़रा जो चीज़ यहाँ पर देखिए ये खुला हुआ है ना तो मैं इसको खोल ही दूंगा जिससे कि अगर रॉट होना भी होगा तो ना हो तो रॉट, बाद में इसको जब देख लूँगा तब करूँगा इसको, इधर से मैं इसको नहीं रखूँगा, देखते हैं क्या होता है। और कोशिश करूँगा इसमें ज़रा यहाँ कंकर डाल दूँ जिससे कि थोड़ा ये इसको टेस्ट मिल जाए। ये है तरीका रिपोर्ट करने का, आप ज़रूर देखें कि जब आप लाएं तो थोड़ा सा सीधा कर लें इसको, तो उसको ज़रूर चेक कर लें कि कहीं उसमें रॉट तो नहीं हो गया, रॉट हो जाएगा तो फिर अब बाकी मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और ये चलता चल जाएगा। और इसके फूल हमने तोड़ दिए सारे, क्योंकि फूल और कली दोनों चीज़ें मैंने तोड़ दी हैं, पत्तियां मैंने नहीं काटी हैं, देखते हैं अगर ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो, मुझे लगता है कि इस समय स्ट्रेस नहीं होगा और ये जल्दी ही जड़ पकड़ लेगा। और इसमें मेरे पास जो भी अभी यहाँ पर मेरे पास पानी रखा हुआ है ये फंगस वाला पानी है जिसमें मैंने इसको पहले रखा था, तो उसी से थोड़ा पानी लेकर और उसको मैं थोड़ा सा फंगीसाइड डालकर उसको डाल दूंगा जिससे कि ये इसका इलाज हो जाए और ये भाई साहब चल पड़े। इसमें देखिए मैंने कोई DAP डाली है ना कुछ डाला है, सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें डाली हैं और थोड़ा ही से डालना है ज़्यादा नहीं। और 4 दिन के बाद इसमें मैं माइकोराजा डालूँगा, फिर उसी से मैं इसको उठा लूँगा। माइकोराजा दोस्तों इसलिए डालते हैं, वो एक कवक है और ऑर्गेनिक है, उसमें वो जड़ों के विकास में काम आता है। तो देखिए अगर कोई पौधा लगाया है तो पहले पहला काम उसके जड़ों का विकास है, अगर इसमें पानी ना डालें तो ये आपका डिहाइड्रेट हो जाएगा, इसलिए मुझे पानी डाल दिया। अगर जाड़ा होता तो मैं पानी नहीं डालता इसमें, ऐसे लगा देता। तो ये थोड़ा आपको समझने वाली बात है। और इस तरह से ये पानी देखिए नीचे चला गया है और ये इसको अब पानी मिल जाएगा दोस्तों। बस इसको छाँव में रख देंगे और 5 दिन के बाद इसमें 4-5 दिन के बाद जब थोड़ा इसमें केमिकल का प्रभाव कम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे माइकोराजा, उसके बाद हम कुछ खाद वाद देना शुरू करेंगे। अगर इसमें बढ़िया बढ़ोतरी होती है तो हो सकता है पत्तियाँ भी अगर लगेगा तो मैं इसको तोड़ दूँगा, हालांकि मुझे लगता है पत्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही लग जाएगा, या थोड़ी पत्तियां मैं कम तो कर ही सकता हूँ इसकी।
दोस्तों राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के वीडियो के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने एडिडियम का ख्याल रखें। नए लाएँ तो उनको ज़रूर ध्यान रखें, देखें, नहीं तो फिर आपका लॉस हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। और तो कोशिश करें कि जो आपको बेसिक प्लांट है वो लाएँ, यानी कि जो जहाँ पर छोटे छोटे जो पैकेट में होता है उसको आपको रिपोर्ट करना ही करना पड़ेगा। ये जो बड़े पैकेट में लाने में प्रॉब्लम ये होती है कि हमको पता नहीं लग पाता कि एक्चुअल में वेंडर ने किया गया। वेंडर का काम केवल है आपको लेकर बेच देना, वो बीज की मनी ले लेता है। तो वो करते क्या है, छोटे पॉट में पौधे लाएंगे, से उन्होंने 50 रुपये या 70 रुपये का कहीं से जहाँ से ओनिजेट हो वहाँ से ख़रीदा, उसको डबल किया 150 रुपये में, उसमें 10 रुपये 15 रुपये का सामान लगाया, भाई खाद लगाई, कुछ लगाया, मिट्टी लगा दी उन्होंने, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसमें आपको हमको वो 250-300 रुपये में बेच देते हैं बड़े पॉट के पॉट को दिखाकर। तो दोस्तों इस तरह का उनकी भी कोई गलती नहीं, उनका अपना काम है और हमें अपना ज़रूर देख लेना है कि किसी प्रकार से हम, ये कोई ठगी नहीं है, ये एक तरीका है बेचने का। और क्योंकि अगर आप वैसे प्लांट लाएंगे तो वैसे बिकते कम पैसे मिलते हैं, तो इसलिए उनका एक तरीका है, इस तरह वो अपना बिजनेस करते हैं। तो आप हम लोगों को ये देखना है कि हम उसके प्लांट जब लाएं तो उसको भली भांति देख लें।